नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज अपना जो राजस्थान जीके का मारवाड़ का जो इतिहास चल रहा था उसका आज अपना लास्ट क्लास रहेगा। इससे पहले जो हमने पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन मैं आपके लिए चाहूँगा कि हम पढ़ रहे थे क्या मारवाड़, और मारवाड़ में हम क्या पढ़ रहे थे राठौड़, ठीक है ना। मारवाड़ में राठौड़ वंश को हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको शासकों के बारे में बताया था। सबसे पहले शासक का नाम मैंने आपको बताया था क्या, सिहा। दूसरा बी से बिरमदेव, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, ये अपने इस तरीके से एक लाइन खींच करके बना लेते हैं। सबसे पहले सिहा, दूसरे पे हम रखेंगे याद बिरमदेव, फिर क्या हो जाएगा अपने पास चूड़ा, फिर कौन सा था कान्हा, उसके बाद में कौन था कान्हा के पुत्र था कौन रणमल, और रणमल के बाद में हम याद रखेंगे किसको कान्हा रणमल, और उसके बाद में याद रखेंगे हम किसको जोधा, और उसके बाद में सातल, फिर याद रखेंगे हम किसको सूजा, फिर याद रखेंगे किसको गांगा। क्रम आपको ऐसे नहीं है कि इनको रट्टा मार करके या रट्टाफिकेशन से इसको तैयार रखना है। तीन में तो मैंने आपको बता ही दिया, मूल पुरुष याद रह जाते हैं, बी से बिरमदेव, सी से चूड़ा, फिर कान्हा, और कान्हा के बाद में जो कहानी शुरू हो जाती है कि रणमल चला जाता है मेवाड़ की तरफ और रणमल का पुत्र जोधा होता है, फिर बाद में सातल सूजा गांगा, ये एक साथ याद रखेंगे, और गांगा का पुत्र कौन मालदेव को याद रखेंगे, ठीक है मालदेव, ठीक है गांगा मालदेव चंद्रसेन, यहाँ आगे लिखता हूँ मैं या इस तरफ कोने में लिख देता हूँ इसी के नीचे चंद्रसेन, प्रतापी शासक हुआ चंद्रसेन। के बाद में याद रखेंगे क्या मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह हैं। उसके बाद में याद रखेंगे हम कहा कौन सूर सिंह, सवाई की उपाधि जिसको दी गई थी सूर सिंह। के बाद में गज सिंह, दलथम्बन की उपाधि जिसको दी गई थी गज सिंह, सूर सिंह, गज सिंह। गज सिंह ने फिर क्या किया था, पत्नी अनारा के प्रभाव में आकर के किसको, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं आप बताइएगा किसको जसवंत सिंह को, जसवंत सिंह। के बाद में जसवंत सिंह का पुत्र कौन हुआ अजीत सिंह। यहाँ तक का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जसवंत सिंह अजीत सिंह यहाँ तक पढ़ चुके हैं, आगे यहीं से शुरुआत करते हैं। अजीत सिंह के बाद याद रखेंगे हम क्या, अजीत सिंह के बाद अभय सिंह, और अभय सिंह के बाद याद रखेंगे हम क्या, अभय सिंह के बाद मान सिंह, अभय सिंह मान सिंह, फिर याद रखेंगे विजय सिंह। क्रम सही है, मान सिंह के बाद वाला पार्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, मान सिंह के बाद में हम याद रखेंगे क्या विजय सिंह, तो विजय सिंह के बाद हम तख्त सिंह, ठीक है विजय सिंह तख्त सिंह, फिर याद रखेंगे हम किसको जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड, और जसवंत सिंह के बाद याद रखेंगे हम किसको उमेद सिंह, और उमेद सिंह के बाद लास्ट याद रखना है आपको किसको हनुवंत सिंह, हनुवंत सिंह हैं ये लीजिए। तो मारवाड़ के जो शासक हैं उनमें हमें केवल इतना सा पढ़ना है, और ये हमारी पांच या छह क्लासें हुई होगी, चार या पांच मान लीजिए, पांच क्लासों में 20-20 25-25 मिनट की क्लासें हैं, ठीक है मतलब डेढ़ घंटे के अंदर हमने जो है पूरा मारवाड़ का इतिहास, ठीक है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लिया है। सिहा ब्रह्मदेव चूड़ा काना सातल सूजा गांगा मालदेव और चंद्रसेन मोटा राजा उदय सिंह सूर सिंह गज सिंह, और उसके बाद जसवंत सिंह अजीत सिंह अभय सिंह मान सिंह, और ये अपना हो जाएगा विजय सिंह तख्त सिंह जसवंत सिंह और उमेद सिंह, और लास्ट में कौन सा याद रखेंगे हनुवंत सिंह। तो ये पूरा कालक्रम आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, जसवंत सिंह अजीत सिंह तक हमने पढ़ चुके हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे अभय सिंह, ठीक है। कौन सी बातें आपको याद रखनी है अभय सिंह के लिए वो देख लीजिएगा। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा अभय सिंह, ठीक है चलिए देखते हैं अभय सिंह को। अभय सिंह के टाइम में दोस्तों आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है खेजड़ली कांड, और खेजड़ली कांड आप सभी को पता है 1730 में। तो यहाँ मैं टॉपिक डाल रहा हूँ क्या अभय सिंह है, ठीक है, और अभय सिंह के टाइम में याद क्या रखना है आपको खेजड़ली जोधपुर खेजड़ली कांड याद रखना है, और खेजड़ली कांड कब हुआ था 1730 के अंदर जो है ये कांड हुआ था। इसकी प्रमुख कौन थी तो आप सभी जानते हैं अमृता देवी बिश्नोई, कौन थी अमृता देवी। अब एक चीज़ ध्यान में रखेंगे आप कि ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि खेजड़ली कांड के दौरान
मारवाड़ के जो शासक था वह कौन था? तो कौन था? अभय सिंह खेजड़ली कांड के दौरान शासक था, अमृता देवी ने नेतृत्व किया और 363 लोग क्या हुए यहाँ पर? शहीद हुए। और यहाँ पर क्या होता है, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन क्या लगता है? एकमात्र वृक्ष मेला, एकमात्र वृक्ष मेला जो है लगता है। बस ये इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है किसके लिए? अभय सिंह के बारे में। क्लियर है? अभय सिंह माने याद रखना है, अभय सिंह को किसके इक्विवेलेंट याद रखना है? अभय सिंह। और अभय सिंह दिमाग में आते ही आपके ये याद आ जाना चाहिए, खेजड़ली कांड, और खेजड़ली कांड 1730 में, जिसके नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने किया था, और कुल 363 शहीद हुए थे। भाद्र शुक्ल दशमी के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। या ऐसे याद रख लेना कि इनकी बॉस कौन थी, खेजड़ली कांड जो हुआ था उस टाइम वहाँ जो है बॉस कौन थी? बॉस का मतलब क्या हो जाएगा? BS बॉस मतलब भाद्र शुक्ल, भाद्र शुक्ला, और कौन सा दिन? दशमी का दिन। ठीक है, एकमात्र वृक्ष मेला जो है खेजड़ली जोधपुर में लगता है। ये इतनी बातें हमें इर्द गिर्द की जितनी भी बातें हैं वो सब हमने यहाँ पर स्टडी कर ली है। अभय सिंह के बाद हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? मान सिंह की। तो मान सिंह के लिए आपको याद रखना है गिंगोली का युद्ध, और गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 के अंदर। 1807 की जो घटना है उसको हम अब याद करेंगे। बात करता हूँ मैं किसकी? मान सिंह। मान सिंह के बाद में छोटी छोटी बातें जो हैं वो क्या याद रखनी है, इनको क्या कहते हैं, अयासी सन्यासी राजा, क्या याद रखेंगे इनका नाम? सन्यासी राजा। मान सिंह को सन्यासी राजा, और मान सिंह के गुरु का नाम याद रखेंगे आप, गुरु, गुरु का नाम क्या था? आयस नाथ। इन्होंने दो मंदिर बनवाए, क्या किया? मंदिर बनवाए। प्रमुख मंदिर कौन कौन से मंदिर बनवाए? तो एक तो बनवाया था कौन सा? सिरे मंदिर जालोर, और कहाँ का? जालोर में सिरे मंदिर किसने बनवाया था? मारवाड़ के शासक, जोधपुर के शासक मान सिंह ने। और एक महामंदिर, कौन सा महामंदिर? जोधपुर में जो महामंदिर है उसको भी किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। तो ये तीन बातें आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरी जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि 1818 के समय EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि के समय शासक कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संधि के समय मारवाड़ का शासक कौन था, मेवाड़ का शासक कौन था, बीकानेर का शासक कौन था, जयपुर का शासक कौन था? तो इस तरीके से आप अभी यहाँ याद कर लीजिएगा कि मान सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि के समय जोधपुर का शासक था। अब बात करते हैं दोस्तों गिंगोली के युद्ध की, और छोटा सा नक्शा अगर आप इस तरीके से कच्चा चित्र बना लीजिएगा एक बार, और इसको हम स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, इस मैप की सहायता से जो है अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। ध्यान में क्या रखना है, यहाँ है अपने पास क्या? जोधपुर। कौन है? जोधपुर। और यहाँ याद रखना है आपको क्या? जयपुर। और यहाँ याद रखना है आपको क्या? मेवाड़, यानी उदयपुर की साइड। अब अगर बात करें तो जयपुर में उस समय शासक था कौन? जगत सिंह सेकंड। और मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ में उस समय शासक था कौन? भीम सिंह, ठीक है। और जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में अपना टॉपिक चल रहा है क्या? मान सिंह, ठीक है। इन तीनों के मध्य क्या हुआ, क्या क्रम है, वो चीज़ समझनी है अब अपने को। मान सिंह के भाई का नाम, मान सिंह का भाई का नाम क्या था? भीम सिंह है। मैंने उंगली इधर क्यों किया, हाथ इधर क्यों किया है? जो मेवाड़ का शासक भीम सिंह है वो अलग है, लेकिन मान सिंह के भाई का नाम भी क्या था? भीम सिंह था, ठीक है। और अब हुआ क्या कि इधर भीम सिंह की पुत्री, और उस पुत्री का नाम था क्या? कृष्णा कुमारी। कौन था? कृष्णा कुमारी, ठीक है। इस कृष्णा कुमारी का संबंध तय हो जाता है किसके साथ, मतलब इसका रिश्ता हो जाता है, संबंध तय हुआ भीम सिंह के साथ। मान सिंह के भाई भीम सिंह के साथ जो है मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता हो जाता है।
अब किसी कारणवश भीम सिंह जो है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बीमार होकर के जैसे भी मान लीजिए आप, इसकी क्या हो जाती है, भीम सिंह की मृत्यु। कौन सा भीम सिंह? जोधपुर में जो मान सिंह का भाई है भीम सिंह, उसकी यहाँ मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ के जो भीम सिंह हैं उन्होंने अपनी पुत्री का जो संबंध है वो जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ तय कर दिया। मृत्यु होने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ भी एक संबंध तय कर दिया। इस बात का जब पता चलता है किसको, मान सिंह को, तो मान सिंह ने भीम सिंह से कहा कि जब मेवाड़ में कृष्णा कुमारी का जो संबंध है वो मारवाड़ के साथ हुआ है तो निश्चित ही ये शादी भी कहाँ होगी, मारवाड़ के साथ ही होगी, मतलब हमारा ही संबंध यहाँ अभी चलेगा। तो हमारे भाई मरे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा भाई मरा है लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ, तो आप ये जो शादी है ये जोधपुर जयपुर के जगत सिंह के साथ नहीं कर सकते। इस कारण भीम सिंह क्या हुआ, थोड़े विवादास्पद स्थिति में फंस गए। तब क्या हुआ कि मान सिंह ने जगत सिंह के साथ, जगत सिंह सेकंड जयपुर के जगत सिंह के साथ युद्ध किया, जिसे कहा जाता है कौन सा युद्ध, गिंगोली। गिंगोली कहाँ है, नागौर में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गिंगोली का युद्ध 1807 में। आप ऐसे याद रख सकते हैं 18 साल की लड़की से सात फेरे लेने के लिए जो युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली के युद्ध में किसकी जीत हो जाती है, यहाँ गिंगोली के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, नागौर। ठीक है, गिंगोली कहाँ है, नागौर। जगत सिंह सेकंड की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और मान सिंह की इसमें क्या हो जाती है, इस युद्ध में हार हो जाती है। क्लियर है। तब क्या हुआ कि यहाँ टोंक में अमीर खां पिंडारी, टोंक में कौन है, अमीर खां पिंडारी। ठीक है, ये जो जगत सिंह सेकंड की जीत का मुख्य कारण यही था कि अमीर खां पिंडारी ने गिंगोली के युद्ध में जगत सिंह सेकंड, जयपुर के जगत सिंह सेकंड का साथ दिया था, इसलिए जगत सिंह सेकंड की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और मान सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। लेकिन अमीर खां पिंडारी ने देखा कि ये युद्ध, ये वजह, ये रीज़न क्या है, इसलिए अमीर खां पिंडारी ने भीम सिंह को समझाया, और भीम सिंह ने फिर क्या किया, अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को क्या कर दिया, विष दे दिया। यहाँ दिखाई दे रहा है सभी को, यहीं लिख देता हूँ मैं, भीम सिंह ने क्या किया, विष दे दिया, विष दिया। ठीक है, और 1810 में क्या हो जाती है, कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कृष्णा कुमारी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसी के साथ इसका ये जो विवाद है ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये पूरी बात याद रखनी है मानसिंह के बारे में, छोटी सी स्टोरी है बिल्कुल। मानसिंह के टाइम में आपको याद रखना है सन्यासी राजा था, गुरु आयसनाथ थे। ठीक है, 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब संधि हुई थी तब ये शासक थे मारवाड़ के, जोधपुर के। ठीक है, और इन्होंने दो मंदिर बनवाए थे, महामंदिर जोधपुर और सिरे मंदिर जालौर बनवाया। उसके बाद में याद रखना है मानसिंह के समय में ये हुआ था अपना कौन सा, गिंगोली का युद्ध हुआ था, या कृष्णा कुमारी विवाद, ये याद रख सकते हैं। तो कृष्णा कुमारी विवाद के समय जोधपुर के शासक कौन थे, मानसिंह थे, और मानसिंह के छोटे भाई का नाम भी भीम सिंह था, और मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम भी क्या था, भीम सिंह था। भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी का विवाह कर दिया, संबंध तय किया गया था किसके साथ, जोधपुर के शासक मानसिंह के छोटे भाई भीम सिंह के साथ किया जाता है। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तभी जो अपने मेवाड़ के भीम सिंह है उन्होंने ये जो संबंध है जगत सिंह सेकंड के साथ कर दिया था। इस बात का जब पता चलता है किसको, जोधपुर के मान सिंह को, तो जोधपुर के मान सिंह और जगत सिंह के बीच में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में गिंगोली का युद्ध 1807 में नागौर में जो हुआ था के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में टोंक के अमीर खां पिंडारी ने जगत सिंह सेकंड का साथ दिया, और जगत सिंह सेकंड की जीत हो जाती है, और हार हो जाती है किसकी, मान सिंह की। इस बात को देख करके अमीर खां पिंडारी ने भीम सिंह को समझाया कि आप इस झगड़े को समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, कृष्णा कुमारी को विष दे दीजिए। और कृष्णा कुमारी को विष दे दिया गया, और उनकी मृत्यु हो जाती है 1810 में, और इसी के साथ ये झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो हमने पढ़ा कहाँ तक, अभय सिंह मान सिंह तक पढ़ा, तो उससे पहले हमने पढ़ा था कौन, इससे पहले हमने पढ़ा था अभय सिंह, मान सिंह, अब हम पढ़ेंगे विजय सिंह। तो दोस्तों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, लिख लिया होगा। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे किसको, विजय सिंह। विजय सिंह के लिए एक ही बात याद रखनी है कि विजय सिंह की एक पासवान थी और उस पासवान का नाम है क्या, गुलाब राय, जिसे मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। नेक्स्ट जो शासक है उसका नाम क्या है, विजय सिंह। और विजय सिंह के समय आपको याद रखना है कि विजय सिंह की पासवान का नाम क्या था, गुलाब राय, ठीक है, गुलाब राय। इस गुलाब राय को क्या कहा जाता है, मारवाड़ की नूरजहां। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ की नूरजहां जो है किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि विजय सिंह जो कि जोधपुर के शासक, मारवाड़ के शासक जो विजय सिंह की पासवान कौन थी, तो वह थी कौन, गुलाब राय, ठीक है। इसके बाद हम बात करें किसकी, तख्त सिंह की, ठीक है ना, तख्त सिंह। अब तख्त, कुछ लोग तो समझ जाएंगे इसको कि तख्त शब्द का मतलब क्या होता है। तख्त हम साधारण भाषा में एक फट्टे को बोलते हैं, इस तरीके का एक बेंच नुमा आकृति होती है ना, इसको बोलते हैं। इससे याद रह जाएगा क्या कि तख्त सिंह जो नाम है ना, इन्होंने क्या किया था, श्रृंगार चौकी बनवाई। अब ये श्रृंगार चौकी क्या काम आती है, तो ये श्रृंगार चौकी काम आती है किसके काम, राज्याभिषेक। जो भी नया राजकुमार होता है, जो भी शासक होता है, उसका जो राज्याभिषेक किया जाता है, तो कौन सी चौकी पर, श्रृंगार चौकी। मारवाड़ में श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था, तख्त सिंह ने। और तख्त सिंह के लिए दूसरी बात याद रखनी है आपको क्या, 1857 की क्रांति के समय शासक, 1857 की क्रांति के समय शासक जो है मारवाड़ के, जोधपुर के शासक कौन थे। तो ये इतना आप नोट कर लीजिएगा किसके लिए, तख्त सिंह के। और जसवंत सिंह के लिए आपको याद रखना है कि जसवंत सिंह की प्रेयसी थी नन्ही जान, ठीक है, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को क्या किया था, विष देकर के उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, जसवंत सिंह सेकंड। तो जसवंत सिंह सेकंड के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जसवंत सिंह सेकंड की प्रेयसी, और इस प्रेयसी का नाम था क्या, नन्ही जान। ऐसी कहावत है कि इनके काल में महर्षि दयानंद सरस्वती मारवाड़ में आए थे, तो मारवाड़ में उन्होंने भजन कीर्तन पाठ जो भी उपदेश देने का कार्य किया। लेकिन उन्होंने जब ये चीज़ देखा कि जसवंत सिंह जो है वो अपनी प्रेयसी नन्ही जान के साथ इस तरीके के व्यसनों में लिप्त है, या इस तरीके के एक कार्य जो है एक शासक को, वर्ग को शोभा नहीं देते हैं, तब महर्षि दयानंद ने क्या किया था, जसवंत सिंह को समझाया बुझाया, अच्छे तरीके से अच्छे रास अच्छे उपदेश देना शुरू किए। इस बात का पता जब नन्ही जान को चल जाता है, तो नन्ही जान ने क्या किया कि ये तो हमारे बीच एक दीवार बन गया है, तो इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को क्या दे दिया था, विष दे दिया था, जिसकी वजह से महर्षि दयानंद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जसवंत सिंह की प्रेयसी नन्ही जान ने विष दिया किसको, दयानंद सरस्वती को, महर्षि दयानंद सरस्वती की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये जो आपको कंसेप्ट याद रखना है किसके लिए, जसवंत सिंह सेकंड के लिए। तो सिर्फ दो बातें याद रखनी है, कौन कौन सी, नेक्स्ट शासक है हमारे कौन, उमेद सिंह, ठीक है। तो उमेद सिंह के लिए सबसे पहली बात, जवाई नदी पर, ठीक है, जवाई नदी पर एक बांध बनाया इन्होंने, कौन सा बांध, जवाई बांध बनवाया, ठीक है, जवाई नदी पर। जवाई बांध कहाँ है, पाली में, जवाई बांध है कहाँ पर, ये भी नोट कर लीजिएगा, पाली में है। दूसरा, उमेद नाम से ही पता चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया था, उमेद भवन का निर्माण करवाया था, उमेद भवन का निर्माण करवाया। और उमेद भवन है कहाँ पर, उमेद भवन जोधपुर में है, ठीक है, उमेद भवन या चित्तर पैलेस, या मैं लिख देता हूँ चित्तर पैलेस, ठीक है। चित्तर पैलेस क्यों कहते हैं, क्योंकि चित्तर पत्थरों से, चित्तर पहाड़ी है ना, चित्तर पत्थरों से, ठीक है, बनवाया गया है, इसलिए इसे उमेद भवन या चित्तर पैलेस भी कहते हैं। और इन्होंने दूसरा काम क्या किया था, इन्होंने किया था जवाई बांध
चवाई नदी पर पाली में बनवाया था। और हम बात करें कि उम्मेद भवन, तो उम्मेद भवन को कह सकते हैं हम, ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कई बार, एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी भवन, ध्यान रखना अभी मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी भवन बता रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ा रहने लायक भवन है ये। अगर हम दुर्गों की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा दुर्ग था जो उस समय का रिहायशी दुर्ग था, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रह सकते थे, बहुत ज़्यादा लोग अंदर ही अंदर आत्मनिर्भर थे, ठीक है ना, उन्हें दुर्ग से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी बात जो कर रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी भवन, तो एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी भवन कोई और नहीं उम्मेद भवन, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने, उम्मेद भवन को ही चित्र पैलेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइए, चित्रपत्रों से निर्माण करवाया था। और जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया था किसने, उम्मेद सिंह ने। तो जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने। कहाँ है जवाई बांध, पाली में है। अब हम बात करते हैं लास्ट शासक किसकी, हनुमंत सिंह की। और हनुमंत सिंह के लिए आपको याद रखना है कि एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक, जोधपुर के शासक कौन थे, हनुमंत सिंह। और कब की घटना है ये, ये है घटना हमारी 30 मार्च 1949। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, हनुमंत सिंह, क्या लिख रहा हूँ, हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह के लिए याद रखना है क्या, एकीकरण के समय मारवाड़ या जोधपुर के शासक, ठीक है, के समय जोधपुर के शासक, सबसे पहली बात तो ये हुई इनके लिए। दूसरी बात इनके लिए क्या होगी, दूसरी बात इनके लिए होगी कौन सी, ये याद रखेंगे, एकीकरण के समय कब की बात है ये, 30 मार्च 1949, ठीक है, एकीकरण पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइमलाइन कब का है। तो दोस्तों 20 से 25 मिनट की ये अपनी क्लास रहती है और इसमें हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। मारवाड़ के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी कोई सवाल पूछा जाएगा, मैं 99% गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। पटवारी, कांस्टेबल, ठीक है ना, रीट जैसे एग्जामों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माई साइड।